क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभीजनन का प्रणाम करी थे। बड़ी खबर है सीधी से, जहां एक साथ 5 नए कोरोना पॉजिटिव सीधी में मिले हैं। अपना पंचन बता दी कि सीधी में एमपी संदेश न्यूज 24 जैसा कि अपना पंचन से वादा करत है कि हमेशा सही खबर और पूरी खबर समय पर और अपना पंचन के बीच में ले आवत है। वह में अपना पंचन बता दी कि अब सीधी में कुल कोरोना संक्रमित संख्या 78 हो चुकी है, एक्टिव केसन की संख्या 36 हो चुकी है, एक व्यक्ति के मृत्यु हो चुकी है और कंटेनमेंट जोन सीधी में 36 बन चुके हैं कुल। ता यह वक्त के बेहद बड़ी खबर आए कि सीधी में एक बार फिर से 5 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जौने के चलते सीधी में कोरोना के कोहराम देखे का मिल रहा है। हालात यह है कि सीधी में एक डॉक्टर जो अमिलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 28 वर्षीय डॉक्टर पदस्थ रहे, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अपना पंचन बता दी कि उनके बारे में यह बतावा जा लग है कि वो अमिलिया में एक बच्ची जो कोरोना पॉजिटिव बीते दिन पहले आई रही, ओके संपर्क में आ सकते हैं और लगभग कंटेनमेंट जोन जो बना रहा वह संपर्क में आए। और यह बतावा जा रहा है कि सुल्तानपुर में सुल्तानपुर से जो एक कोरोना पॉजिटिव सीधी आए रहे पहाड़ी के ही मतलब सिहावल ब्लॉक में, उनका साथी जो 10 लोग आए रहे, एक व्यक्ति उन्हों के संपर्क में रहा। और सबसे बड़ी बात यही कि वो डॉक्टर अभी तक लगभग 100 लोगों के संपर्क में आ चुके हैं, जो बेहद बड़ी खबर है यह वक्त के। अपना पंचन बता दी कि दूसर है वार्ड नंबर 5 के 65 वर्षीय वृद्ध जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तीसर है गल्ला मंडी के 26 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोनाखाड़ के 42 वर्षीय व्यक्ति जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। भमरहा के 31 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये 5 थे नए कोरोना पॉजिटिव सीधी में आए हैं, जो बेहद सीधी का एक खतरे के घंटी बजाए दी थी। और अब कहो न कहो सीधी का बेहद सतर्क रह की आवश्यकता ही, और कहो न कहो यह पूरे जो 5 थे नए संक्रमित संख्या आए हैं, यह कहो न कहो प्रशासन का एक चेतावनी दे रहे हैं कि अब हमार रूप विकराल होए वाला है। ओकर तैयारी का प्रशासन के पास ही का प्रशासन पुख्ता इंतजाम कहे है, कहे कि एक डॉक्टर एक कोरोना योद्धा जिनका हम अपना फोन के कॉलर ट्यून में सुनी थे कि हर कोरोना योद्धा का सम्मान की जाए, का कोरोना योद्धा का सरकारी सुविधा मिली, का पीपीई किट मिली रही, या उनके पास वह हर इंतजाम रहा कि वो बच सकर रहे, किंतु हालात उलट है। हमका तलाश कोनो बेहद बड़ी लापरवाही है, जोने के चलते डॉक्टर अमिलिया मां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर के जो है रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जो भगवान करे कि सब कोरोना वॉरियर आम जनता सब बहुत जल्दी स्वस्थ हो और एक बार सीधी पुनः कोरोना मुक्त हो। किंतु अब तैयारी के बाद की जाए कि नगर पालिका में यदि बताई दी अपना का कि लगभग 15 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं, 24 वार्ड के नगर पालिका ही 15 कंटेनमेंट जोन, खुद कल्पना अपना कह ली कि हालात का है। केवल महज 9 वार्ड बचे हैं जहां कंटेनमेंट जोन नहीं बने आए। काहे की यह सबसे बड़ी बात ऐसी हो जाती कि नगर पालिका सीधी के केवल 10-5 किलोमीटर के जो क्षेत्रफल में है और वह क्षेत्रफल के अंदर बेहद सघन बस्ती है, और सीधी नगर पालिका में यह बेहद खतरनाक रूप से यह कोरोना के कोहराम फैल रहा है। हालात यह है कि सीधी के प्रतिष्ठित यस मैन शॉप, SDFC बैंक और सब बेहद बड़े बड़े जो कहा जाए कि संस्थान है, उन्हों के कर्मचारी उन्हों के कार्यरत लोग जो है कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, जो बेहद चिंता के विषय है। अब विषय यह है कि शहर गांव सत्तर बराबर फैल रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। पूरे विंध के हालात बिगड़ रहे हैं। अब कहो न कहो जरूरी है कि एक सही तरीके से सुनियोजित तरीके से या कोरोना की कमर तोड़ी जाए और प्रशासन इतना एक्टिव हो कि शायद अब परिंदों न पर मारे तब जाए कि यह कोरोना पर लगाम लग सका थी, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब सीधी कोरोना के हब बन सकत है। वो हालात ये हुई कि नगरपालिका क्षेत्र में बेहद भीषण तरीके से तबाही मचा सकत है। तो यह रही ये वक्त की बड़ी खबर, और आपन बेहद ख्याल रखी। 3 मंत्र हैं, बिल्कुल कंठस्थ कह ली, बिल्कुल घरे से निकले इनके नहीं आए, यदि निकली थे तो मास्क लगाई, सैनिटाइजर से हाथ जो है सैनिटाइजर साबुन से धोवत रही, सामाजिक दूरी मतलब पालन करी, या नहीं कि ओकर माखौल उड़ाई,
गले में हाथ डाल के बागी, यह जरूरी नहीं है। काहे कि अपना अपने भर जिंदगी के जिम्मेदार नहीं आए, अपना के साथ बुजुर्ग बच्चा जो रहा थे उनकर जिंदगी के अधिकारी नहीं आए। ऐसे अपन बेहद ख्याल रखिए, अपने परिवार के बेहद ख्याल रखिए, तब जाके सीधी जिला स्वस्थ हुई, प्रदेश स्वस्थ हुई, देश स्वस्थ हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।